हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक अमित। आज हम लोग HP 15 DI 1000 TU ये लैपटॉप का इंटरनल बैटरी कैसे रिप्लेस करेंगे वो आज हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। लैपटॉप के पीछे जो रबर है इसको उठाना है, इसका अंदर स्क्रू रहेगा। ठीक, और एक इसको भी उठा लेते हैं। अब इसका जो स्क्रू है उसको हम लोग खोल लेते हैं एक एक करके। ये हम लोग का डिवीडी राइटर है, इसका भी स्क्रू हम लोग निकाल लेते हैं, बाद में डिवीडी राइटर भी निकाल लेंगे। स्क्रू हम लोग खोल लिए, अब थोड़ा स्क्रू सब निकाल लेते हैं। सब एक जगह कर लेते हैं, नहीं तो बाद में ढूंढ नहीं पाएंगे। अब देखिए, मेरा पास ये डेबिट कार्ड, एक्सपायर डेबिट कार्ड का एक कार्ड था, तो हम इसी से खोल दे रहे इसको। इसमें सब लॉक लगा हुआ है, इसमें कोई स्क्रू नहीं है, लॉक है। ये अंदर घुसा के चाड़ने से आराम से खुल जाएगा, डरने का कोई बात नहीं है। हम डेबिट कार्ड, एक्सपायर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं। आप लोग और भी कुछ अपर ऐसा कुछ रहा या मोबाइल सिम का जो कार्ड है उससे भी कर सकते हैं, या गिटार का स्पेक्ट्रम जो है उससे भी कर सकते हैं। एक स्क्रू बच गया, इसको खोल लेते हैं, इसको भूल गए थे शायद। इसको खोल लेते हैं, आहिस्ते आहिस्ते इसको चाड़ने से हो जाएगा। डिवीडी राइटर है, इसको भी निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेना था, निकल कर आराम से हल्का से उसको चाड़ देने से ये आपका बैक साइड खुल गया। देखिए, इसमें जो है काला करके जो है वही है बैटरी, सामने उसका साटा हार्ड डिस्क से, इधर रैम, रैम का जो दो स्लॉट है उसमें दो रैम ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर एक बार आप खोल लीजिएगा तो आप हार्ड डिस्क, रैम, बैटरी, कोई भी चीज़ आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये हम लोग अभी उसका बैटरी रिप्लेस करेंगे। ये देखिए,
हार्ड डिस्क खोल ली, हार्ड डिस्क का स्क्रू एक दो तीन स्क्रू था, उसको खोल के उसको आहिस्ता से टर्न होगा, वहाँ पे वो लगा हुआ है। आराम से टालने से ये आपका बाहर आ गया। मार्केट में ये हार्ड डिस्क आपको 2200-2300 में मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं तो इसको मैंने लिंक भी दे दिया हूँ अमेजन का, अमेजन से भी खरीद सकते हैं। ये ऐसे हार्ड डिस्क आप लिए, इसका जो देखिए वो कनेक्टिविटी है, जो उसका जो पिन है, पिन में पिन ठीक से आपको बैठाना है। ये आपका पिन में बैठ गया, देखिए पिन टू का जो जगह है यहाँ वहाँ पर आपको बैठाना है, बैठ गया। अब बैठने का बाद आप इधर से स्क्रू सब टाइट कर दीजिए, बैटरी में लग गया। अब इसको एक बार चेक कर लेंगे ऑन करके कि सही से लगा है कि नहीं है। इसका जो बैक कवर है उसको लगा देते हैं। बैक कवर लगा दिए। ये सब लॉक सिस्टम है, खाली प्रेस करना है और कुछ नहीं है। प्रेस करके देखते हैं ऑन है, मतलब हम लोग का बैटरी सही से लग गया। बैटरी सही से लग गया तो ठीक है, इसको शट डाउन करके फिर से हम लोग जो स्क्रू है वो टाइट कर देते हैं। ये हो गया आपका लैपटॉप का बैटरी रिप्लेस, इंटरनल बैटरी रिप्लेस। इसी तरह आप इस लैपटॉप का अगर बैक कवर ओपन कर लिए तो आप यहाँ से आप लोग रैम, SSD सभी चेंज कर सकते हैं।